वन पीस इन हिंदी डब। क्या तुमको लगता है कि इंडियन ऑडियंस इस पीक एनिमे के लिए तैयार है? वन पीस पांच तारीख को कार्टून नेटवर्क लेके आ रहा है वन पीस को हिंदी डब में, लेकिन सिर्फ वन आर्क। ब्रॉस डिसीजन एवर। हाँ, कार्टून नेटवर्क का अभी तक के सबसे बेकार डिसीजन यार मुझे लगा है वन पीस को भाई वानो आर्क से लाने का। यार वन पीस की मैं बात करूँ तो मैंने पूरा देखा है, उन्होंने पूरे 900 एपिसोड छोड़ दिए। बताओ यार, वन पीस को सिर्फ वानो आर्क से लेके आना, वो भी हिंदी डब में, नई ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेगी यार? बहुत बेकार डिसीजन है। मगर क्यों, जरा तुम सोचो यार, उन्होंने पूरे 900 को 900 एपिसोड छोड़ दिए, डायरेक्ट ला रहे हैं भाई 900 के बाद वानो आर्क ला रहे हैं। इंडियन ऑडियंस की जो नई ऑडियंस रहेगी भाई, वो उसको कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि वन पीस क्या है, उसका वर्ल्ड क्या है? आप लोग भी मुझसे पूछ रहे हो कि भाई हमने वन पीस के स्टार्टिंग एपिसोड नहीं देखे हैं, कि हम कार्टून नेटवर्क के वानो आर्क देखेंगे, हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा, स्टोरी हम कनेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन चिंता करने की भाई कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई बेटा ना इस वीडियो के अंदर भाई 900 एपिसोड का जो भी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी, जो भी पावर्स लेवल थे, जो भी रैंक है, गवर्नमेंट क्या है, डेविल फ्रूट क्या है, मतलब वन पीस का ना जो भी 900 एपिसोड का जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, जिससे कि आज जब तुम्हें ना कार्टून नेटवर्क पे है ना वन पीस का वानो आर्क देखोगे तो मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, तुम्हें वन पीस की स्टोरी समझ में आने लगी अगर तुम ये पूरी वीडियो देख लोगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं यूपीएससी में। मस्त जोक मारा रे। कहानी की शुरुआत होती है गोल्डी रोजर द पायरेट किंग से, एक ऐसा पायरेट जिसको भाई पायरेट किंग का टाइटल दिया है, क्योंकि उसने भाई खजाना, वेल्थ, पैसा और दुनिया का ना सबसे आखिरी आइलैंड भी ढूंढ लिया है, इसलिए उसको टाइटल मिला है पायरेट किंग का। गोल्डी रोजर को भाई गवर्नमेंट के द्वारा जब मारा जाता है तो गोल्डी रोजर बोलता है कि मेरा जितना भी खजाना है उसको मैंने आखिरी आइलैंड पे छुपाया है, उसका नाम रखता है वो वन पीस। इसी नाम पे भाई इस सीरीज का नाम रखा गया है। और भाई इसी खजाने की तलाश में जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे, वो निकल पड़ते हैं वन पीस को ढूंढने। इस तरह स्टार्ट होती है द ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत। इस एरा में भाई पायरेटों की जो संख्या रहती है ना, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। तभी हमारा जो मेन करेक्टर होता है मंकी डी लूफी, वो निकल पड़ता है भाई पायरेट किंग बनने। उसके पास होती है एक डेविल फ्रूट की पावर, जिससे वो ना रबड़ की तरह स्ट्रेच हो सकता है। अब तुम सोचोगे डेविल फ्रूट क्या है? तो देखो, डेविल फ्रूट है ना वन पीस वर्ल्ड का है ना, तुम इसे पावर लेवल भी समझ सकते हो, जिस फ्रूट को खाने से पावर आ जाती है। हमारे लूफी के पास है भाई गमगम फ्रूट की पावर, जिसको भाई वो शैंक्स से मिला। इस बंदे को याद रखना भाई, ठीक है। डेविल फ्रूट है ना भाई काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, हर डेविल फ्रूट में अलग अलग पावर होती है। जो भी डेविल फ्रूट खाने से जिसको जो पावर मिल जाती है एक बार, उससे भाई वो समुद्र में कभी नहीं तैर सकता। हाँ, डेविल फ्रूट खाने से पावर तो मिलती है, लेकिन जो इंसान ने डेविल फ्रूट खाया वो कभी भी समुद्र के अंदर तैर नहीं सकता। और हमारे लूफी के पास होती है भाई गमगम फ्रूट की पावर, मतलब ऐसा डेविल फ्रूट जिससे भाई वो रबर की तरह स्ट्रेच हो सकता है, उसके पास याली पावर है। वो निकल पड़ता है भाई पायरेट किंग बनने, वन पीस को खोजने। वो अकेला तो वन पीस को नहीं ढूंढ सकता, इस वजह से वो ढूंढता है अपने क्रू मेंबर। सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है रोरोना जोरो से। भाई ये बंदा बनना चाहता है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन। भाई ये बंदा मेरे इस सीरीज का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। इसके बाद भाई क्रू को ज्वाइन करती है नामी एक नेविगेटर के रूप में, उसको भी इस क्रू को ज्वाइन करता है, जो सबसे ज्यादा डरपोक बंदा है इस क्रू का। इसके बाद भाई ये कुक सांझी, भाई ये थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है इस क्रू का। और भाई सांजी का सपना है ऑल ब्लू को ढूंढना, जहाँ पे सब टाइप के फिश पाई जाती हों। इसके बाद भाई चॉपर ज्वाइन करता है, जो एक है डॉक्टर। निको रॉबिन ज्वाइन करती है, जिसके बाद एक डेविल फ्रूट की पावर होती है। और साथ में भाई इनके क्रू में ना फ्रैंकी भी होता है, जो है ना शिप को सही करता है। और साथ में भाई हमारा ब्रूक, ब्रूक के पास भी भाई एक डेविल फ्रूट की पावर होती है, जिससे भाई वो अमर है, मतलब वो मर नहीं सकता। मरने के बाद भी उसकी जो आत्मा है ना उसके स्केलेटन वाले शरीर के अंदर है। और ये लोग निकल पड़ते हैं भाई अपने सफर पे। स्टार्टिंग में मैंने तुमसे बोला था ना भाई गोल्डी रोजर को गवर्नमेंट मार देती है। अब ये गवर्नमेंट के अंदर भी भाई ना काफ़ी सारे डिफरेंट लेवल की होती है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसको बोला जाता है नेवी। नेवी के अंदर भाई ना काफ़ी सारे रैंक होती हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, जो सबसे पावरफुल होते हैं, उनको बोलते हैं एडमिरल। एडमिरल तीन टाइप के, वो तीनों के पास भाई डेविल फ्रूट की पावर है। एक के पास ग्रेविटी वाली है, एक के पास होती है लाइट की स्पीड, और एक बंदा और है जिसके पास है ना भाई पेड़ पौधे की पावर होती है। ये तीनों को तीनों भाई डेविल फ्रूट ईटर्स है। और इसके हटके जो रैंक होती है ना भाई एडमिरल से नीचे, वो होती है कैप्टन की, वाइस एडमिरल की, मतलब काफी सारी रैंकें होती हैं। सबसे ऊपर होता है भाई एडमिरल, और इससे ऊपर एक और होता है भाई जो होता है फ्लीट एडमिरल। इस गवर्नमेंट को तुम भाई फर्जी गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन, जिन्होंने इस गवर्नमेंट को बनाया था, वो भाई ये सबसे ऊपर ही है। चाहे तो किसी को गुलाम भी बना सकते हैं, किसी को मारने का ऑर्डर भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से भाई फर्जी गवर्नमेंट है। और भाई वन पीस का जो वर्ल्ड है ना, उसके अंदर एक काफ़ी बड़ी एक चट्टान है, जो वन पीस को है ना दो हिस्सों में बांटती है वन पीस के वर्ल्ड को। इसको बोला जाता है भाई ग्रैंड लाइन। ग्रैंड लाइन को पार करके ही आप है ना वन पीस को खोज सकते हो। हमारा जो लूफी रहता है ना भाई, वो ग्रैंड लाइन को पार करता है, तब उसकी मुलाकात होती है भाई वर्ल्ड लॉर्ड से।
कहने को तो भाई है ना वॉरलॉर्ड्स भी एक तरीके के पायरेट, लेकिन मैंने बोला ना गवर्नमेंट फर्जी है, इस वजह से ना वो कुछ पायरेट्स को उन्होंने ना परमिशन दे के रखी है पायरेट्स, मतलब लोगों को मारने की, सब कुछ करने की। भाई लूफी की फाइट है ना हर एक वॉरलॉर्ड से होती है, वो इन सबको हराता है और धीरे धीरे करके भाई उनका क्रू है ना आगे बढ़ता रहता है। लेकिन भाई तब उनकी मुलाकात होती है सी के एम्परर से, इनको तुम भाई योंको भी बोल सकते हो या एम्परर भी, भाई ये सबसे पावरफुल पायरेट हैं जो है ना पूरी दुनिया के अंदर, जो वन पीस वर्ल्ड के अंदर भाई चारों सबसे पावरफुल पायरेट्स हैं। सबसे पहला भाई वाइट बियर्ड, उसके बाद आता भाई काइडो, उसके बाद आती है बिग मम, उसके बाद आता भाई हमारा शैंक्स। हाँ ये वही बंदा जिसने भाई लूफी को हेड दी थी और इसके पास से भाई लूफी ने ना डेविल फ्रूट खाया था। भाई ये चारों को चारों एम्परर, इसी बात नहीं है गवर्नमेंट को ना वॉलेट नहीं बनाना चाहती थी, भाई इन्होंने क्लियर मना कर दिया क्योंकि इनकी जो पावर लेवल है, इनकी जो बाउंटी या बाउंटी क्या भाई एक लेवल होता है कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, गवर्नमेंट उस पर मनी रखती है, इसको बोलते हैं बाउंटी। एक तरीके से तुम बोल सकते हो भाई ये चारों पायरेट काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है एम्परर जो सी पे राज करते हैं। लोगों में भाई शैंक्स को छोड़ के ना भाई तीनों के पास होती है भाई डेविल फ्रूट की पावर, और साथ में हमें देखने को मिलती है हाकी। हाँ भाई शैंक्स के पास सबसे पावरफुल हाकी है। अब ये हाकी क्या होती है देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाकी एक पावर है वन पीस की एक और जो बाद में इंट्रोड्यूस करी गई थी। हाकी को आप ना तीन टाइप की होती है, एक होती है कॉन्करर हाकी, एक होती है ऑब्जर्वेशन हाकी और एक और होती है इसका मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। सबसे पावरफुल होती है भाई कॉन्करर हाकी, उसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन हाकी, उसके बाद आती है भाई याली हाकी, हाँ जिसका नाम मैंने प्रोनाउंस नहीं करा, आलसी मत बोलना। और एंड में भाई एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम इसको नहीं समझोगे तो भाई तुम्हें वानो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको बोलते हैं भाई पॉनीग्लिफ। पॉनीग्लिफ एक पत्थर होता है जिसका ना भाई वन पीस कहाँ छुपा है, एशियन वेपन के बारे में लिखा है, मतलब एक पत्थर के अंदर एक लैंग्वेज लिखी हुई है जिसके अंदर बताया गया है वन पीस कहाँ है, लास्ट आइलैंड का डायरेक्शन क्या है, इसको ये पत्थर बोलते हैं। और भाई पूरी दुनिया के अंदर जो पॉनीग्लिफ को पढ़ सकता है, मतलब इस पत्थर पर लिखा हुआ पढ़ सकता है, वो है रॉबिन जो होती है भाई लूफी के क्रू के अंदर। तो भाई 900 एपिसोड के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी पावर लेवल से डेविल फ्रूट क्या होता है, ग्रैंड लाइन क्या है, वन पीस क्या है, मतलब ओवरऑल तुम्हें ये वीडियो देख ली तो मैं समझ में आ गया होगा वन पीस क्या है, इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो जिससे तुम्हें वन पीस के ना वानो आर्क देखने में काफी ज्यादा इजी होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एंड में भाई मैंने 60 एंड एनिमे वाली वीडियो के अंदर कवर करें, वीडियो चेकआउट कर लेना भाई, काफी अच्छा एनिमे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।